हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो, गुड आफ्टरनून, परमल जी से बात हो रही है। किससे? परमल, परमल हिमांशु जी से बात हो रही है। हाँ, ये हुआ ना मैडम, पूरा नाम। वेरी वेरी सॉरी सर, रोहिणी बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक की तरफ से। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रोहिणी। गुड आफ्टरनून सर, पर्सनल लोन रिगार्डिंग कॉल किया है। 7580 लास्ट लोन अकाउंट नंबर, राइट सर? हाँ मैडम। तो मैडम डिस्कनेक्ट कर दो। क्यों सर? 2597 रुपीज आपका अमाउंट पेंडिंग है, पेमेंट क्यों नहीं किया अभी तक? मैडम पेमेंट होगा नहीं ना, इसलिए नहीं किया। क्यों नहीं होगा, क्या इश्यू आ रहा है पेमेंट करने के लिए? रीजन बता सकते हैं सर? बता दूंगा फिर आपको कि सर कुछ वैलिड रीजन बताओ फिर आपको कि सर ये कोई रीजन तो नहीं होता, इसलिए मैं बताऊंगा। सर आपके अकाउंट में रिक्वायरमेंट है सर आज की डेट में पेमेंट करना है, क्योंकि EMI की अमाउंट आज फिर से जनरेट होने वाले नहीं है हम आपके, तो भी अमाउंट इसमें एडजस्ट हो जाएगा। नहीं मैडम, मैं नहीं बनूंगा पैसे। क्यों नहीं आपका पेमेंट जमा होगा, वही पूछ रहे ना सर, ताकि हमें भी वैसे मेंशन करना रहता है। तो भैया इसमें RTP डाल दो, डिस्पोजिशन में रिमार्क में लिख दो कस्टमर इंटेंशनली डज नॉट। सर क्या इश्यू आ रहा है सर? देखिए जितना भी अमाउंट डेली कर रहे हैं आप, आपको ही पता है ना, डेली बेसिस 2% का इंटरेस्ट लगते जा रहा है जो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो जितना डेली करोगे तो नुकसान तो आपका ही होते जा रहा है। तो मैडम वही तो कह रहा हूँ, मुझे अपना नुकसान करना है। पर ट्राई करिए ना अरेंजमेंट करके पेमेंट क्लियर करने के लिए। देखिए पर ट्राई करिए, जितना भी जल्दी आप पेमेंट करोगे ना तो आपके क्रेडिट स्कोर पे भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ते जाएगा, इन फ्यूचर कार्ड लेने में आपको दिक्कत आएगी। आप रिकवरी वालों को थोड़ा दिमाग खराब होता है क्या? मैं कह रहा हूँ मैं ट्राई नहीं करूंगा, इंटेंशनली मेरा दूंगा नहीं, खा कर बैठने की आदत होगी है। यानी इस पर RTP डाल दो, डिस्पोजिशन में लिख दो कस्टमर इंटेंशन दस नोट पे। आपको इंग्लिश ना आती हो, हिंदी में बता देता हूँ, कस्टमर देने से साफ साफ मना कर रहा है, इस पर रिफ्यूज पे कर दो। तो वैसे आप ब्रांच में भी इन्फॉर्म कर दीजिए और ब्रांच में भी एप्लीकेशन दे दीजिए कि आप पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो सर। मैडम नहीं, आपको पेमेंट नहीं करना, आप लोगों को ही तो परेशान। क्योंकि देखिए सिस्टम के अंदर कॉल है ना, आपको कॉल्स आते रहेंगे, इसलिए कह रही ब्रांच में भी एक बार इन्फॉर्म कर। मैडम कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को परेशान करता रहूंगा मैं ऐसे रोज। अकाउंट में रिक्वायरमेंट सर डेली बेसिस कॉल्स आते रहेंगे, उससे अच्छा पेमेंट एटली मिनिमम पेमेंट भी क्लियर होगा ना आपका 400 का, आपका अकाउंट उससे स्टेबल हो जाएगा। मैडम एटली मिनिमम पेमेंट जो कर सकते हो ना, बेयर मिनिमम सुना है? बेयर मिनिमम आपने? नहीं सर नहीं सुना आपने, मतलब आप लग रहा है ज्यादा पुरानी है। कितने टाइम से कर रही है कलेक्शन का काम? सर पेमेंट रिगार्डिंग ही बात करिए। पेमेंट रिगार्डिंग आपको यही नहीं पता बेयर मिनिमम क्या होता है, तो क्या बात करूँ आपसे कलेक्शन की? पेमेंट पेंडिंग चल रहा है, पेमेंट क्लियर करवा दीजिए ना सर, उससे अकाउंट स्टेबल हो। मैनेजर लाल, हेलो राम सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। बताओ और बताइए, कलेक्शन कैसे चल रहा है? क्या कह रहे सर? कलेक्शन कैसे चल रहा है? कलेक्शन से चल रहा है, अभी तो फंडिंग के लिए कॉल करिए, फिर रिक्वायरमेंट चल रही है आपको। अच्छा देखो, अच्छा आपने लोन देने के लिए कॉल किया है? हाँ जी हाँ जी। मैं समझा आप कलेक्शन कर रहे हो। नहीं सर, लोन देने के लिए कर रहा है। नहीं लोन की तो रिक्वायरमेंट नहीं। आपका शुभ नाम? सचिन अग्रवाल। सचिन अग्रवाल जी। नहीं लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है सचिन भाई। चलो कोई बात नहीं सर, ओके सचिन भाई। थोड़ा सा ना मूड भी अच्छा होना चाहिए, आप भी रोज कॉल करके एक ही बात बोलते हो हर कस्टमर से, तो मूड फ्रेश नहीं हो पाता है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मूड फ्रेश भी होना चाहिए, आप हर किसी का कॉल कर करके एक ही बात बोलोगे सर लोन ले लो तो आपका भी ना मूड खराब हो जाता होगा। अरे सर हमारा तो काम है। नहीं काम तो है लेकिन एक क्या हो गया यार, सही हो गया। नहीं काम तो मैं आपका है लेकिन आपका भी ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग तो खराब होता होगा यार, एक ही बात बोलनी है रोज। क्या कर रहे हो? पेट का सवाल है, पेट का सब कुछ करना पड़ता है। हाँ वो तो है, पूरा घर परिवार आपके ऊपर चल रहा हो, मतलब घर परिवार में भी देना है, सब कुछ देखना है, अपना भी देखना है। हाँ वो ही बात है, सब कुछ करना पड़ता पेट के लिए। नहीं मैंने भी कलेक्शन का काम किया है ना। अच्छा अच्छा। हाँ आपके के भी एसोसिएट सुना है कभी? दिल्ली में संगम बिहार के अंदर? नहीं मेरे द्वारका में है। अच्छा द्वारका, नहीं दिल्ली में सबसे ज्यादा एजेंसी है ना कॉलिंग की। हाँ
दिल्ली में जाता है ज्यादातर, जो भी केक जाता है। अगर काम काम के लिए करना पड़ता है। आप वैसे कॉलर हो गए, कॉलर हो गए, कॉलर मेरा खुद का ऑफिस है। अच्छा खुद का मतलब कॉलिंग वॉलिंग सेंटर है क्या? हाँ खुद का ऑफिस है हमारा, 10-12 लड़के काम करते हैं नीचे। अच्छा आप भी कॉल अटेंड करते हो? हाँ अरे सर काम बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ गए? अरे ये भी सही है भाई, अपना काम तो बढ़ना चाहिए। हाँ कम से कम इसी में बैठे हैं, बार बार मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, सब कुछ कर रहे हैं बेचारे यार। ये मतलब बड़ा देखो ये बड़ा वैसा काम है, क्योंकि आपने शायद मेरे ख्याल से अपना ऑफिस खोलने से पहले कहीं ना कहीं तो कलेक्शन किया होगा। नहीं कलेक्शन नहीं करी आपकी जिंदगी में, कॉलिंग वगैरह की थी। हाँ बताओ टीएल या जो ऊपर सीनियर होता है वो कैसे डांटता है, कैसा बुरा लगता है? बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो नहीं डांटते हैं? आप तो नहीं डांटते अपने बंदों को? डांटना पड़ता सर, पर क्या ठीक है, काम काम के ऊपर हम भी करते थे कभी। हाँ लापरवाह ना हो गया काम। हाँ क्या क्या सैलरी होगी वैसे बंदों की? 12,000-10,000? हाँ 12,000-15,000 टारगेट वगैरह का प्रेशर रहता है ना, और अगर डांट होना ना तो बंदा टारगेट भी पूरा नहीं करता था, बॉस तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बिल्कुल बट डांट तो नहीं है, ये कि काम के हिसाब से करते हैं, तुम कभी निकल जाते निकल जाए। सही है भाई अपना अपना, मैं भी सोच रहा था यार एजेंसी लेके बैठ जाऊं। हाँ बढ़िया है सर, कलेक्शन में जो है ना कलेक्शन अभी तो खैर मैंने छोड़ दिया कलेक्शन, अभी तो अपना कुछ ही काम चल रहा है, अपनी शॉप है। अच्छा हमने सोचा अपना बिजनेस कर ले, बाकी मैं सोच जाता हूँ कि कलेक्शन में ना आप ये समझ लो बंदों की बिल्कुल कमी नहीं है, मतलब काम की कमी नहीं है, बंदों की कमी है। हाँ काम बहुत है कलेक्शन में, बहुत कह सकते हैं बहुत। और मैं तो टीएल लेवल तक गया था, हमारे कम से कम 5 से कह सकते हैं। अच्छा इतना है, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप ये समझ लो कलेक्शन में काम इतना है कि देखो मैं बंदों की कमी है बस। हाँ अब कोई हमारे सर कुछ सेवा तो निकालना है, मान किसी और का वो कोई और क्लाइंट हो आपका। हाँ आपका नंबर है? हाँ नंबर सेव कर लो, कोई और क्लाइंट हो तो बताना मेरे को। ठीक है आपका क्या नाम है? नाम का नाम भूल गया मैं, थोड़ा सा नाम भूल जाता हूँ। सचिन अग्रवाल। सचिन अग्रवाल ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ, बाकी जब मैं अपनी एजेंसी खोलूंगा तो भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, कोई कस्टमर मान लो बताना। ठीक है चलो। गुड आफ्टरनून, दिस इज तुषार कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। क्या मेरे बैंक नॉट यार कनेक्ट कर दे कॉल, बात नहीं करनी मुझे अभी। क्यों सर? अरे यार बार बार कॉल कर करके तो तुमने एकदम बात कर करके परेशान कर दिया, कितनी बात करोगे? क्या करना क्या चाह रहे हो, मर्डर कर दो मेरे एक्सपेक्टर हो? नहीं सर फर्स्ट ऑफ ऑल ना नवजोत जी बात कर रहे हो ना? नवजोत जी बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जी तो एक क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग ही कॉल किया है ना आपसे, उसके लास्ट 4 डिजिट 8003। पेमेंट को भूल जाओ, उसको डिस्कनेक्ट कर दो, अभी बात करने का मूड नहीं है बिल्कुल। किसी नहीं पता कुछ मेरे मेरे मुंह से जो है ना, अरे यार तुम तो ले मेरे मुंह से कुछ अनर्थ ना हो जाए। क्या नाम है तेरा? जी तुषार बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तुषार मेरे मुंह से कुछ चनर तो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक मैडम ने दिमाग खराब किया है, तो ये क्या बताऊं? आप बोल रहे हो तो भाई डिस्कनेक्ट कॉल बैक लगा दे, 3 बजे काम कर, एक काम कर भाई 3 बजे की कॉल बैक लगा दे। ठीक है ठीक है जा सकता हूँ, 3 बजे तक आप बोल रहे हो कॉल बैक, ठीक है। 3 बजे तक तेल कटाई के काम पे जा रहा हूँ मैं, पैसे जोड़ने के लिए, तेल कटाई के काम पे जा रहा हूँ पैसे जोड़ने के लिए। ठीक है सर देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल है ना सर, ऑलरेडी ड्यू डेट 29 को क्रॉस हुई है, स्टेटमेंट बैलेंस भी 16,400 सॉरी आपकी स्टेटमेंट बैलेंस भी 1,16,402, मिनिमम अमाउंट कर दीजिए ना सर 8,920 रुपीज, एट एट फुल अमाउंट नहीं, मिनिमम अमाउंट तो आप कर सकते हो ना। बेयर मिनिमम सुना है? बेयर मिनिमम बोलिए, बेयर मिनिमम सुना है जीवन में कभी? हाँ बोलिए ना, वो भी नहीं दूंगा अभी। रीजन क्या है जान सकता हूँ? पेमेंट के रिगार्डिंग, पेमेंट डिले आपने किया है सर, कॉल सारे आपको भी पता है भाई सर, आप डिस्कनेक्ट कर दो यार, 3 बजे का लगा दो कॉल, कॉल बैक लगा दो 3 बजे की, क्यों क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो सर? 3 बजे आप बोल रहे हो, 3 बजे का पेमेंट हो जाएगा आपका,
3 बजे तेल चढ़े के काम से उसका आऊंगा, शेखो को देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज के लिए आप बोल रहे हो कि 3 बजे कॉल कर दीजिए? हाँ, 2 घंटे तक दर्द होगा मेरे पीछे। तो नौजन जी, पेमेंट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं सर। मैं पेमेंट के रिगार्डिंग क्या बात करूँ, बता रहा हूँ 3 बजे कॉल बैक करना, कॉल बैक लगाने का ऑप्शन नहीं होता क्या तुम्हारे उसमें? तो लगा दे क्यों नहीं यार। सर, कॉल बैक का रीजन भी क्या है? आप भी बोल रहे हो कि आप बाहर अभी कर रहे हैं। कॉल बैक का रीजन है कस्टमर होलसेल कर रहा है अपना, चाहिए तुम्हें? तो सर आपके लिए देखिए, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है आपके क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट हो रहा है, और आपको डेली बेसिस पे मंथली आपको 3.50% का इंटरेस्ट लग रहा है। बड़ा गेंडू है यार तू, सच में पता है कितना गेंडू है तू? गेंडू में सबसे बड़ा गेंडू है भाई तू। सर पेमेंट तो आपने क्लियर नहीं किया है, और आप भी अभी टाइम मांग रहे हो सर। मेरे सबसे बड़े गेंडू वही तो समझा रहा हूँ, 3 बजे कॉल बैक करना, 3 बजे पूछना पेमेंट के बारे में। 3 बजे कॉल करके आपको पूछूं मैं पेमेंट के रिगार्डिंग? हाँ, तो वो अभी भी बता ही सकते हो ना, 3 बजे आप पेमेंट क्लियर करने वाले हो क्या? अरे बड़े वाले बहन के भाई, बहुत ही बड़ा है यार तू भी, मतलब कस्टमर मना कर रहा है लेकिन बस चुप के जा रहा है, क्या हुआ? तेल ने ज्यादा ज्यादा ले ली क्या तेरी आज? बराबर है ना सर, आप बोल रहे हो 3 बजे कॉल करो, 3 बजे क्या रीजन है? आप अभी ये कर रहे हो 3 बजे बताए तो शेखों को होलसेल करने जा रहा हूँ, दर्द होगा मेरे पिछवाड़े में कुछ देर तक, 1 घंटे बाद बात करियो। सर तो 1 घंटे बाद आप बोल रहे हो पेमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो मैं 1 घंटे में कॉल कर देता हूँ आपको पेमेंट के रिगार्डिंग, तो आप पेमेंट क्लियर कर दीजिए, मैं मेंशन कर देता हूँ उसको। तो हेलो हेलो अरे कोई भी कर लो, आप ही बात कर लो भाई साहब। हाँ हेलो जी सर, पीछे वाला कौन है जिसने आपको कॉल दे दिया? क्या सर? पीछे वाला बंदा कौन है जो कह रहा बात करिए? क्या नाम है उसका? आप मुझे बात कर लीजिए ना, क्या हो गया आप मुझे बता दीजिए। नहीं, उसका नाम जानना है मुझे। कमलेश जी बात कर रहे हैं ना? कमलेश जी तो बात कर रहा हूँ, मुझे उस बंदे से बात करनी है, उसका नाम जानना है, उसका बात कर रहा हूँ। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? जो पीछे वाला बंदा था ना जो बोल रहा था बात कर लो, उससे बात करनी है। अरे जल्दी करा यार, इतने टाइम में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। हेलो हेलो हाँ सर, ये आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? और भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश ठाकुर है। राजेश ठाकुर, मुझे लगा ही था यार तुमसे बात करने में मजा आएगा, इसलिए इसका मैंने पहले बोल दिया तुमसे बात करूंगा। ठीक है, ऐसा क्या बात है? नहीं तो यार तुम्हारी जो है ना बात, मतलब एक तो बोलने का तरीका और क्या कहते हैं भाषा अच्छी लगी, मैंने कहा तुमसे ही बात करता हूँ मजा आएगा। आए दिन बात कर दिया सर, आए दिन बात करता, नहीं मैं पहचान जाता हूँ ना कौन सा बंदा अच्छी से बात करेगा, आए दिन बात करता रहता हूँ मैं, कॉल उठाता रहता हूँ, उसमें तो पता ही चल गया। तो मालिक पेमेंट का बताइए, मिस्टर राज पेमेंट का क्या जानना है आपको, वो बता दूंगा आप जो जानना चाहोगे। आज जो जानना चाहोगे मिस्टर राज पेमेंट के बारे में वो बता दूंगा, बताओ क्या जानना चाहोगे? मैं ये कह रहा हूँ पेमेंट कब करोगे आप? पेमेंट करेंगे इसका राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करेंगे। राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करेंगे? अगर आप बोलो कि सर मैं आपको अभी सेटलमेंट दे देता हूँ तो अभी नहीं चाहिए, आप उस हिसाब से वे बनने दे पाओगे? देख लो यार, सेटलमेंट मिल जाएगा उसके हिसाब से कर दो। नहीं वेवर नहीं मिल पाएगा ना, 50% मिलेगा अभी जाने, 50% वेवर मिलेगा बस अभी। 50% तो नहीं मिल पाएगा यार, 50% नहीं मिलेगा यार, एनपी हो गया क्या? 50% भी नहीं दोगे तो हमारे हाथ में नहीं है ना ये चीज। कितना मिलेगा सर? मैं लास्ट टू लास्ट आपको दे दूंगा इसमें से 35% का दे दूंगा सर। और कौन से बैंक का है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड। स्टैंडर्ड नहीं, ये तो आप बहुत ही मतलब कम दे रहे हो, तो ऐसा लग रहा है राइट ऑफ में 50 देगा फिर विंटेज वन के बाद देगा यार 30-30% में तो। नहीं,
सर ऐसा है क्या, अभी हमारे पे जो ऊपर से आया है वही बता रहा हूँ, अगर मेरा आत्मा तो मेरे को क्या दिक्कत थी आपको 50% देने में, क्या बताऊँ ये मुझे पता था ना यार आपसे अच्छी बात होगी इसलिए मैंने पहले कह दी उस बंदे से बात कराओ। नहीं बिल्कुल बढ़िया तो मिनिमम देखो, अगर जो बंदा सोच के बैठा है कि राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करेगा वो बंदा मिनिमम डाल के अपनी डीपीडी क्यों खराब करेगा आप बताओ। हेलो मैं तो आप पहले मैंने खोल के बता दिया, मैंने कहा यार पहले खोल के बता दू लंबी बार, अम्मा कह देता कि भाई साहब थोड़ा फंड इश्यू एक महीने लग जाएगा डेढ़ महीने लग जाएगा, आप अपने तरीके बता दे मिनिमम और ये वो आप अरेंज कर ले, तो मैं पहले खोल के बता दिया, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ बात तो सही है, आपने सारी चीज क्लियर ही कर दिया, आपको नॉलेज भी हर चीज की। मैं कलेक्शन में ही काम कर चुका हूँ ना। हाँ कलेक्शन में ही काम कर चुका। चलो कोई नहीं सर, ठीक है आप नए कस्टमर से बातचीत कीजिए। ठीक आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।